नया सकर रखा है, तो एक साथ वापस अभी आप जो देख रहे हो कि सेकंड पे उसी आया, हाँ फर्स्ट में आप जो देख रहे हो कि किस तरीके से एक साथ फ्लावरिंग आई है, हर पौधे में लगभग 80% पौधे में एक साथ फ्लावरिंग आई है। तो ये किसान की प्रैक्टिस भी है कि उन्होंने ध्यान दिया है कि कुछ गड़बड़ ना हो। दूसरा टिश्यू का भी काम है कि कितनी साइकिल का या कौन सी कंपनी का टिश्यू है, वो भी मायने रखता है। फरवरी मार्च में लगा हुआ पौधा एक साथ फ्लावरिंग आना असंभव है, क्योंकि गर्मी बहुत रहती है, 47 डिग्री टेम्परेचर है। तो इसमें किसान की मेहनत है कि उन्होंने सन लगाया। मेरे ही बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो मेरा नाम बर्बाद करने पर तुले हैं। फरवरी मार्च में केला लगाया, रेवा प्लस लगाया, वहां पर न सन लगाया न मक्की लगी, पौधे खराब होना है। अब वो बोलते भैया तुम बोलते हो रेवा प्लस इतना अच्छा उत्पादन देता है, तो पौधे को जो चाहिए वो तो करना पड़ेगा। इसके लिए किसान को श्रेय जाएगा कि मैंने हर किसान को बोला है कि आप गर्मी से बचने के लिए मक्का सन लगाओ। अप्रैल और मई लू चलती है, आपका बड़वानी या बुरहानपुर या जलगांव केले के लिए है ही नहीं, 47 डिग्री टेम्परेचर है। पिछले साल का रिकॉर्ड देखोगे तो बड़वानी और खरगोन को एशिया का सबसे हाईएस्ट शहर पेपर में आया था उस सेशन में, ऐसा केला है। तो क्यों है? क्योंकि किसान ने मक्का और सन लगाया, क्लाइमेट कंट्रोल किया। अब मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूं कि मेरा रेवा का पौधा है इसलिए ऐसा है, तो वो झूठ बात है। किसान की मेहनत है कि उसने सुना, उसने सन लगाया, टेम्परेचर कंट्रोल किया। तो वैसे ही आप कंद लगाओगे, जब भी वही ऑर्डर रहेगा कि सन लगाना पड़ेगा गर्मी में। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ये हमको हर एक को समझना पड़ेगी कि क्वालिटी अच्छी है, इसके लिए पंजे में गैप है, लेकिन उसको मेंटेन कैसे करोगे। बहुत से लोगों ने मेरे से केला लिया, मैं सबको कहता हूं कि रेवा प्लस लेना है तो 5x7 ही लगाना है, वरना हम देंगे नहीं। उनसे वेरीफाई कराते हैं, उनसे देखते हैं जाकर, भैया 5x7 ही लगाऊंगा, लेकिन बहुत से लोगों ने बुला लिया 5x5 लगा दिया। अब 5x5 में ऐसी क्वालिटी आ ही नहीं सकती। नहीं, फिर नहीं। हमको बोलते भैया हमने 3 रुपए महंगा पौधा लिया, हमारे ऐसा बंच नहीं आएगा। तो मैं लिख के दे दूं, आएगा ही नहीं। सही बात है। मैं ही लिख के दे दूंगा 5x5 5x6 में आएगा ही नहीं ऐसा। आते ही हो तो सभी, ये फरवरी के कारण है, गर्मी ये आपका उल्टा बन जाएगा। ये जून जुलाई का आएगा तो 36 से 40 केले आएंगे, फरवरी मार्च का रहेगा तो 28-30 केले आएंगे। ये कौन से टाइमिंग का है उस पर डिपेंड करता है। ये मक्की गिर गया, हाँ। ये 1000 में से एक आध बंच जैसा अटका रहा, तो इसीलिए तो वो पत्ता निकाला है उन्होंने वहाँ पर, पत्ता दूर करेंगे तो सामने पत्ते पर जाएगा। अच्छा भैया जैसे जुलाई के एंडिंग में कभी लगाया तो उसमें भी सन लगाना पड़ेगा क्या? नहीं ना भाई, नहीं ना, 15 जून के बाद नहीं लगाना है। अच्छा, 1 जनवरी से 15 जून तक कभी भी केला लगाया उसको छांव में लगाना है। मार्च में लगा के अप्रैल में लगा, पहले सन उगा लेना है। 1 जनवरी से 15 जून तक लगा रहे हो तो उसको सन और ढेचा चाहिए, उसके बाद में जरूरत। अच्छा, ये जो पील जो मतलब ब्रीज किया हुआ है किस टाइम पे होना चाहिए? पौधा प्लांटेशन किया उसके बाद 90 से 150 दिन के बीच में, एक बार भी काटना नहीं है। जब लास्ट में काटना है तो काट करके सीधा ड्रिल करना, जब तक बढ़ने देना, बढ़ने दो, काटा और ड्रिल किया, अब उसके बाद का जो आया वो रख लिया। एक मिनट है, हाँ जी, यहाँ तक डाल देते हैं। हाँ, बता रहे उसके बाद भी घर जैसे तुम उसके ऊपर ही चल रहे थे, नीचे चलो ना भाई। नहीं नहीं, खड़े रह रहे ना भाई, घूम रहे हैं। अपन आज ही घूम रहे हैं, अपन गाड़ी में बोल, अपन किसान है ना, फरवरी में अपन देख रहे हैं। ऐसे ही पूछना है तुम्हारे यहां सेकंड, तो ऐसे भी तो आ गए ना हम टीवी उसमें वीडियो में, फिर यहां खड़ा रहना चाहिए क्या? चलो तो नहीं, अपन कितनी नमी कर रहे हैं। ठीक है, फरवरी मार्च में लगे, फरवरी